ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एटम क्या चीज है, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो गाइस, सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एटम के स्ट्रक्चर को प्रपोज करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दैट वॉज रदरफोर्ड। कहने का मतलब ये है कि करेक्ट प्रोपोजिशन यानी करेक्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करने की कोशिश रदरफोर्ड ने की, जबकि इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को गलत डिस्कस किया। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी है प्लम पडिंग मॉडल, और इस नाम से पता चल जाना चाहिए कि इट इज एन ओल्ड और एंशिएंट टाइप ऑफ मॉडल। ये गलत हो गया, ये भी एटम के बेसिस पे था, एटम को भी डिस्कस कर रहा था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये गलत हो गया। ओके गाइस, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इसके नाम से पता चल रहा है कि रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोर्स लिया गया, जो टारगेट लिया गया एक्चुअली, दैट वॉज गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी दैट वॉज 0.004 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स में यहाँ पे 0.004 सेंटीमीटर भी लिखा है, लेकिन दैट इज इनकरेक्ट। द करेक्ट वैल्यू इज 0.004 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आल्सो नोन एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, क्योंकि इसमें जो मेन जो चीज थी जिसने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था, दैट इज गोल्ड। नेक्स्ट इज गोल्ड फॉयल, दैट इज टारगेट। अब इस चीज से हम लोगों को पता चल रहा है कि गोल्ड फॉयल जो थी वो क्या थी, एक्चुअली टारगेट थी, और टारगेट की थिकनेस कितनी थी, 0.004 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज सोर्स। अच्छा, इसमें सोर्स यूज किया गया, एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक सोर्स यूज किया, एक टारगेट यूज किया, और इसके अलावा एक डिटेक्टर भी यूज किया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में उसने ये सारे डिजाइनिंग किस तरह की है, यानी कि अपना जो ये फिगर आपको एक्सप्लेन करेगा कि डिजाइन किस तरह किया गया, चीजों को सोर्स को कहाँ रखा गया, डिटेक्टर को कहाँ रखा, और इसके अलावा बाकी चीजों को, टारगेट को भी। तो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कंसीडर किया गया, सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अब अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से, या अल्फा पार्टिकल होते क्या है, सोर्स प्रोड्यूस बाय रेडियोएक्टिविटी। अच्छा, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो फिजिक्स में भी मोस्टली यूज की जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज की जाती है। रेडियोएक्टिविटी के एक्चुअली ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, यानी 80 प्लस है, 82 प्लस है, वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम ही पढ़ेंगे, उनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर बहुत हाई होने की वजह से अनस्टेबिलिटी है, दैट इज रेफर्ड एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी के में होता क्या है, एक्चुअली एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और लाइट, यानी फोटोन। लाइट को जो है, लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन का नाम भी देते हैं, या इसके अलावा दूसरे पार्टिकल्स भी रिलीज हो सकते हैं। ओके जी, तो अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल एक सोर्स था, उसे प्रोड्यूस किस तरह किया गया, प्रोड्यूस किया गया बाय द रिएक्शन। ये एक्चुअली एक रिएक्शन है, दैट इज रेडियोएक्टिव डीके। इट इज आल्सो अ नेचुरल और कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ओके जी, किसकी रेडियोएक्टिव डीके की गई, पोलोनियम की और रेडियम की, यानी रेडियम पोलोनियम वगैरह की ब्रेक डाउन की गई, डीके की गई, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुए, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को यूं भी लिखा जाता है, अल्फा दैट इज पार्टिकल्स। ओके जी, यहाँ पे एक चीज बहुत मजे की है, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पढ़ा, दैट इज रेफर्ड एज हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर की बात की जाए, दैट इज 2, एटॉमिक नंबर इज 2, और जबकि इसका मास नंबर है 4। हीलियम के अंदर अगर बात की जाए तो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये चीज देखी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और ये मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर में यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स है, और इसका मतलब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। एक चीज और भी देख लेते हैं, अगर आपने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है तो एक फार्मूला यूज किया जाता है, दैट इज n इज इक्वल टू a माइनस z। यहाँ पे a आपके पास एटॉमिक मास है, z आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो
4 में से 2 माइनस करें दैट इज 2। अब हमें इसके हीलियम के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। ओके जी, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे या ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये अनस्टेबल हो जाए, तो उस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज रेफर्ड एज हीलियम न्यूक्लियस। अब अगर अगर बात की जाए तो इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो पीछे इसके पास बचते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। दैट्स व्हाई जो पीछे चीज बची दैट इज रेफर्ड एज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स के एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो भी 2 है, एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो भी 4 है, और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी +2 ही है। ओके जी, तो चार्ज सेम है, मास सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर जिंक, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड वाज यूज्ड एज अ डिटेक्टर। अगर फिगर की बात की जाए तो सपोज दिस इज एन एटम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें ये आपके पास न्यूक्लियस है व्हिच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया सोर्स को, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स। ऊपर हम लोगों ने देखा कि पोलोनियम में रेडियम की डिके से प्रोड्यूस किया गया, सोर्स ने एटम के ऊपर अटैक किया। अब अगर रेडिएशंस की बात की जाए तो रेडिएशन स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ड्रॉ की हैं। रेडिएशन तो हजारों लाखों की तादाद में थी, लेकिन हम लोग 8 कंसिडर करते हैं। 8 में से अगर हम लोग देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेडिएशन या 6 जो है अल्फा पार्टिकल्स वो एटम के अंदर से पास हो रहे हैं। ठीक है, एटम के अंदर से पास हो रहे हैं और एटम से पास होके आगे की साइड पे आ रहे हैं। आगे क्या चीज मौजूद है, दैट इज जिंक सल्फाइड डिटेक्टर। अब इसका मतलब ये है कि जिस टाइम ये अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड डिटेक्टर को अटैक करेंगे एक रीडिंग नोट की जाएगी। ठीक है, एक्चुअली ये चीजें जो डिटेक्टर वगैरह है ये आपके कंप्यूटर वगैरह के साथ कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं जो एक स्पेसिफाइड रीडिंग या एक स्पेसिफाइड परसेंटेज दे देती है। तो हम इधर फिगर में भी देख रहे हैं कि काफी सारे पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं, किसको अटैक करेंगे या किस पे टारगेट होंगे, दैट इज जिंक सल्फाइड डिटेक्टर। दोबारा सुनिए, यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स यूज किया, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स। प्रोड्यूस किस तरह किया, पोलोनियम या रेडियम की रेडियो एक्टिव डीके से। अल्फा पार्टिकल्स ने एटम पे या गोल्ड फॉइल जैसे हम कह रहे हैं जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी उस पर स्ट्राइक किया, तो आगे ये फिनोमेना हुआ विच आर रेफर्ड एज ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक और पॉइंट है, दैट इज प्लम पडिंग मॉडल प्रूव टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि एटम को करेक्टली, एटम को ठीक तरीके से डिस्कस किया, डिफाइन किया रदरफोर्ड ने, लेकिन रदरफोर्ड से पहले भी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके, दैट इज रेफर्ड एज जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने एक्चुअली ये मॉडल दिया था 1900s में, नहीं 20th सेंचुरी में, दैट इज रेफर्ड एज प्लम पडिंग मॉडल। थोड़ा सा देखते चलते हैं प्लम पडिंग मॉडल है क्या चीज। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जे जे थॉम्सन ने ये कहा था कि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसी के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। ये चीज इनकरेक्ट होगी। अब यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट सा सीन है। अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन इनसाइड है, जबकि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड मौजूद है। और इस जगह पे अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के आसपास ही लाए गए हैं। That is totally considered incorrect. और ये proof हो गया कि ये incorrect है। Okay जी, तो ये सारा experiment Rutherford ने perform किया। इस experiment को perform करने से उसने कौन कौन सी चीजें observe की? दो main observations हैं, which are number one, almost all the particles pass through the first. तकरीबन जैसे figure से भी पता चल रहा है कि मैंने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ particles थे यहाँ पे। आठ रेडिएशन मैंने शो की, आठ में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आठ में से 6 जो है वो पास होगी। किससे पास होगी? एटम से पास होगी। तो ये पॉइंट नंबर वन यही बता रहा है कि तकरीबन सारे के सारे पार्टिकल जो थे वो एटम में से पास हो गए।
नंबर सेकंड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल. अच्छा कुछ पार्टिकल्स जैसे 8 में से 6 जो थे वो पास हो गए, बाकी जो 2 रह गए वो डिफ्लेक्ट हो गए. डिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि स्ट्राइक करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लें. अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में आ रहे थे, न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया, न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके इस डायरेक्शन में चले गए. इस साइड पे भी न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया, डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया. अब यहाँ पे ये जो बात की जा रही है एंगल की, तो हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है डिफ्लेक्शन में, यहाँ पे भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है. तो गाइस सबसे पहली चीज क्या थी, तकरीबन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल सॉरी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो पास हो गए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए. अच्छा इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे ये जो सारी जगह है यहाँ से पार्टिकल्स पास हो रहे हैं जबकि पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस साइड पे. सेंट्रल पोजिशन यानी न्यूक्लियस के साथ इन पार्टिकल्स का जो है वो कोई ना कोई लिंक है. ऐसी क्या वजह है, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करने की कोशिश की, ऐसी क्या वजह है कि पार्टिकल्स न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके वापस चले गए. यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ये एक रेडिएशन जो है ड्रॉ करने की कोशिश की और ये मैंने ये शो किया कि इलेक्ट्रॉन में से पास हो रही है. अगर इसने डिफ्लेक्ट करना था, इसने स्ट्राइक किया, ये इसके रास्ते का एक बैरियर था, रेडिएशन को इसको स्ट्राइक करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. ऐसा सिर्फ तभी हुआ जब सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद था. इस साइड पे सीन नहीं हुआ. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसमें कि क्यों अल्फा पार्टिकल्स क्यों न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट हो गई जबकि इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट नहीं हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेंटर में से इस स्पेस में से रेडिएशन क्यों पास होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज कि अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है. इसके अलावा जो गोल्ड फॉइल ली गई उसकी थिकनेस कितनी थी और बहुत सारी चीजें. थैंक यू. ओके जी, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में हम लोगों ने पहले काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, ऑब्जर्वेशन भी डिस्कस की, और उसने ये देखा कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की. फाइनली ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन प्रोड्यूस किए गए विच आर रेफर्ड एज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. अच्छा सबसे पहले कंक्लूजन क्या की गई एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन एटम इज एम्प्टी. अच्छा ज़्यादातर जो है ना ये एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ज़्यादातर जो वॉल्यूम है ना एटम के अंदर वो खाली है, यानी कि एटम अंदर से खाली है एक्चुअली. देखते हैं कैसे, मतलब यहाँ पर लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया गोल्ड की फॉइल पे, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना दैट इज एन एटम. ठीक है जी, और एटम किसके अंदर लाया जा रहा था, गोल्ड की फॉइल के अंदर. यहाँ पे वही दोबारा से अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों ने लिए और एक सोर्स से प्रोड्यूस किए गए बाय अ रिएक्शन विच इज अ रेडियो एक्टिव डीके. अल्फा पार्टिकल्स ने अटैक किया गोल्ड की फॉइल के ऊपर यानी एटम के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम. बेशक मैटर गैस है, लिक्विड है, प्लाज्मा है, किसी भी स्टेट में है, दैट इज मेड अप ऑफ एन एटम. तो अल्फा पार्टिकल्स ने अटैक किया और यहाँ पर जैसे मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो रेडिएशन ड्रॉ किए हैं उन रेडिएशन में हमें पता चल रहा है कि अगर ये 7 रेडिएशन है, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स रेडिएशन ऐसी हैं जो एटम के यानी गोल्ड फॉइल के अंदर से पास होगी. तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि भाई इट इज़ एम्प्टी. जैसे आपके सामने ना एक दीवार है, दीवार में अगर हम दीवार पे कोई चीज़ मारते हैं, कोई बॉल है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, अगर हम मारते हैं दीवार पे लग के वापस आ जाएगी. या मैं ये कहता हूँ मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और मैंने जो है वो दीवार को बॉल मारी है. ठीक है, बॉल मारी और बॉल वापस आ गई, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ये मैं सेंस कर लूँगा, ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर लूँगा कि सामने कोई बैरियर मौजूद है जिसे बॉल स्ट्राइक करके वापस आती है. तो यहाँ पे जो था कोई बैरियर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से मोर ऑफ दी अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास हो गए. और इससे ये चीज़ कंक्लूड की गई कि एटम का जो वॉल्यूम है, ज़्यादातर वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम दैट इज एम्प्टी. नंबर सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्शन प्रूव दैट दे इज अ न्यूक्लियस. और मैंने न्यूक्लियस में ब्रैकेट में एक चीज़ सीखी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इन द सेंटर. अच्छा ये जो रिफ्लेक्शन हुई यानी कि कुछ रेडिएशन से पास होगी, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, और इक्का दुक्का रेडिएशन ऐसी थी जो लगी न्यूक्लियस को स्ट्राइक की और न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके किसी और डायरेक्शन में मूव कर दी. अब यहाँ पे पहले भी हमने पढ़ा था कि एक एंगल क्रिएट हुआ, दैट इज यहाँ पे ये एक एंगल.
ओके जी, तो इससे हमें क्या चीज पता चली कि ये जो डिफ्लेक्शन थी ये जो वापस ये रेडिएशन थी, इसने क्या प्रूव किया कि सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा, ये भी पता चल गया दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है एटम के और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसी से हमें एक चीज और पता चली कि भाई इससे पहले एटम का स्ट्रक्चर तो किसी ने करेक्ट बताया ही नहीं था, तो न्यूक्लियस का तो अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि एटम का अंदाजा नहीं होगा तो न्यूक्लियस का कहां से आ गया। तो इस वजह से रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ना कि सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कवर किया बल्कि इसके ऊपर चार्ज भी बताया और इसके साथ साथ इसकी एटम के अंदर पोजिशन भी डिस्कस की। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट रिबाउंस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट होगी, इस साइड में डिफ्लेक्ट लिख देता हूँ ताकि याद रहे, डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अल्फा पार्टिकल्स ने इसको भी अटैक किया, इलेक्ट्रॉन भी तो थे यहाँ पे, ऑर्बिट्स भी थे, सारा कुछ था, एनर्जी लेवल्स मौजूद थे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स इसको स्ट्राइक करके पास होगी बीच में से। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें ये चीज पता चलती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेचर ने भी ये चीज डिस्कस की है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल नहीं करता, जिसकी वजह से पॉजिटिव ने जब स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को तो वो बाउंस बैक नहीं गई, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई बल्कि वो पास हो गई। जरूर कोई चेंजेस आई होंगी, उनकी वेलोसिटी में चेंजेस आई होंगी, मोमेंटम में चेंजेस आई होंगी, लेकिन वो डिफ्लेक्शन शो नहीं की प्रॉपर, बल्कि डिफ्लेक्शन शो ही नहीं की, यहाँ पे प्रॉपर डिफ्लेक्शन शो हुई बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ओके जी, थर्ड पॉइंट है कंप्लीट रीबाउंस प्रूफ दैट न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड और डेंस। अच्छा, ये जो इसको अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया अटैक किया और इसको लगा कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जितने अल्फा पार्टिकल्स ने न्यूक्लियस पे अटैक किया स्ट्राइक किया उसको वो डिफ्लेक्ट होकर उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इस समय ये चीज पता चली न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत हार्ड सरिस्टिशी है, डेंस भी है हार्ड भी है। कहने का मतलब ये है जैसे अब दीवार थी, मैंने भी आपको बताया कि मैंने बॉल मारी दीवार को और बॉल वापस आ गई, तो इसका मतलब ये बॉल मैं जोर से मारता हूँ कैसे फिर वो वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि दीवार जो है वो एक बहुत हार्ड सरी चीज है जबकि बॉल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये चीज पता लग रही है हम लोगों को कि न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड डेंस जबकि अल्फा पार्टिकल्स इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नंबर फोर पॉइंट, इट वॉज प्रूव्ड दैट द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज। भाई अगर ये न्यूक्लियस स्मॉल ना होता, ये तो प्रूव हो गया अभी बहुत छोटा सा है, अगर ये न्यूक्लियस सपोज करें इतना बड़ा होता तो फिर क्या होता, अल्फा पार्टिकल्स इसको स्ट्राइक करते और स्ट्राइक करने के बाद ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो जाते अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर भी अल्फा पार्टिकल्स की तरह पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फिफ्थ कंक्लूजन क्या पता चलिए हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड इवॉल्व कर रहे हैं, ये भी चीज प्रूव हो गई। नेक्स्ट, एन एटम होल इज न्यूट्रल। अच्छा, ये तो हमें चीज पता ही है कि एटम जो है वो अगर होल की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब अभी हम लोगों ने बात जैसे हीलियम की बात की थी तो मैंने कहा था हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में दो प्रोटॉन है जबकि इसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट इज अ बैलेंस्ड। ठीक है, तो एटम ओवरऑल जो क्या होता है बैलेंस होता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है इसको छोड़ देते हैं, बाकी फंडामेंटल पार्टिकल यानी जो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के इनसाइड है जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटसाइड है, तो बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अच्छा, अगर थोड़े से हाई लेवल पे केमिस्ट्री में चले जाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें आपके पास न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह भी होते हैं, इन तमाम पार्टिकल्स को जो है कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है।